In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Dear students, welcome to Hitchhiking Across the Sahara. Hitchhiking, dear students, कहते हैं बेगानी कारों पर खैराती सियाहत, पराई कारों पर क्या करना, खैराती सियाहत करना यानी लिफ्ट मांगना. ओके, सो हिचहाइकिंग लिफ्ट मांग कर सफ़र करना. अक्रॉस का मतलब होता है अदर साइड, द सहारा यानी पूरा सहराए सहारा पार करके दूसरी साइड पे जाना. तो ये चैप्टर जो लिखा है ये जी एफ लैम ने लिखा है, याद रहेगा जी एफ एल ए एम बी लैम जो लेला होता है. गॉट इट. सो आइए हम देखते हैं कि सहारा सहरा जो है वो कितना बड़ा है. स्टूडेंट्स वो याद रख लें, उसका एरिया जो है वो टोटल डियर स्टूडेंट्स वो है 92 लाख मरबा किलोमीटर. 92 के साथ लाख की 5 सिफरें आएंगी. ओके, सो 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. तो आइए हम देखते हैं ये किस किस कंट्री के अंदर है. ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सहारा का डेजर्ट है वो इजिप्ट में भी है, सूडान में भी है. क्लियर. सो उसके बाद लीबिया में है, नाइजर है, माली, अल्जीरिया और जो मोरिटानिया है और बेमेको. क्लियर हो गया. सो ये कुछ एरिया नाइजीरिया में आता है, कुछ एरिया इसका चाड में भी है, सूडान में भी है. क्लियर हो गया. सो इसका 92 लाख मरबा किलोमीटर जो है सहारा का एरिया है. सो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की. तो ये लिखा किसने था, जी एफ लैम में. इफ़ अ जायंट, सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जायंट क्या होता है, मॉन्स्टर. सो कह रहे हैं कि अगर किसी जायंट यानी मॉन्स्टर को ये कहा जाए कि वो इंग्लैंड को उठा ले. क्लियर. सो इफ अ जायंट वर टू पिक, सो जायंट हम यहाँ पे इसको नॉमिनेट कर देते हैं. सो इफ अ जायंट वर टू पिक इंग्लैंड अप, अगर एक जिन से कहा जाए कि इंग्लैंड को उठाए एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट और इसे सहारा के वस्त में रख दे, तो वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट. सो वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क का मतलब क्या हुआ कि इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, इट विल नॉट बी एन ईजी टास्क. ओके, सो इट विल बी वेरी टफ टू फाइंड इंग्लैंड. तो पता चला है कि ये इंग्लिश राइटर है जो लिख रहा है. उसके बाद कहते हैं कि द फुल सहारा एरिया, पूरा जो सहारा एरिया क्या स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कम्प्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. सो ये फिर से देख लें, नॉर्थ अफ्रीका यानी कॉन्टिनेंट अफ्रीका, उसकी ये नॉर्थ में है. डियर स्टूडेंट जब हम मैप बनाते हैं तो मैप में क्या होता है, इस तरह मैप होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट होता है. सो आप देख लें कि ये सदरन पार्ट जो है ना ये वाला है इसका और नॉर्दर्न पार्ट ये वाला है. क्लियर हो गया. सो अब क्या है कि स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ, क्या है, नॉर्थ अफ्रीका. सो इज़ मैनी टाइम्स द साइज ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन. तो ग्रेट ब्रिटेन के आपने देखा है कि जितने भी कंट्रीज हैं हर कंट्री तकरीबन ग्रेट ब्रिटेन से बड़ा जिनमें सहारा फैला हुआ है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक. सो स्टूडेंट्स आपको पता है जाइगेंटिक क्या होता है, ह्यूज, वास्ट, कलोसल, बिग. क्लियर. सो हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया इज मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तो फ्रांस के कंट्रोल में है ये. ओके, सो वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस. तो पता चला कि सहरा की रेत के अंदर ऑयल डिस्कवर हुआ है. सो डिस्कवरी ऑफ क्या है, किस चीज़ की है, ऑयल है. क्लियर. सो नेक्स्ट नेक्स्ट लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहैबिटेड. अब सहरा के जो ज़्यादातर बड़े बड़े हिस्से थे वो अनइनहैबिटेड क्या होते हैं, वेकेंट, खाली, वीरान थे. क्लियर, गैर आबाद थे. सो इन अदर पार्ट्स देर वर जस्ट अ फ्यू टाउन्स वेरी वाइडली स्कैटर्ड, और कुछ हिस्सों में टाउन्स हैं और वो वाइडली स्कैटर्ड यानी बहुत बड़े बड़े फासलों पर हैं. एंड ओकेजनल, और ओकेजनल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रेयर.
ओके, वांडरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स और बर्बर्स। सो अरबों या बर्बर, और बर्बर का ओरिजिनल अरब्स का जो नेम है वो बर्बर्स हैं, क्लियर। सो जो एक्चुअल अरब्स हैं वो कौन हैं, बर्बर्स हैं, क्लियर। सो उनके कुछ वांडरिंग ट्राइब थे, यानी खानाबदोश लोग थे। नेक्स्ट, हार्डली द लैंड, ये ऐसी ज़मीन बेमुश्किल ही थी, वन कुड वुड थिंक इन विच टू गो हिच हाइकिंग, यानी टेक अ लिफ्ट। तो ये ऐसी ज़मीन नहीं थी जिसमें इंसान हिच हाइकिंग का सोचे, यानी लिफ्ट लेकर उस सफ़र तय करे। येट फिर भी, दिस वॉज जस्ट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड ऑफ ट्रैवल। सो मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, मैनर ऑफ ट्रैवल। सो दैट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, अब ये जो हिच हाइकिंग करेगा उसका नाम क्या है, रॉबर्ट क्रिस्टोफर, ये प्लीज़ याद रखना। और ये चैप्टर किसने लिखा है, शेरोज़ प्लीज़ फोकस, मलिक मूसा प्लीज़ बी सीरियस। सो रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने, ये जो जो इसका हीरो है, बट लिखा जी एफ लैम ने, अ यंग अमेरिकन था, ये याद रख लेना। रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन था, यंग अमेरिकन था, क्लियर। सो डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन द सहारा क्रॉसिंग विच ही बिगैन इन 1956। तो सहारा की क्रॉसिंग शुरू कब हुई थी, 1956 में। और उसका जो मोड ऑफ ट्रैवल था वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर का, वो क्या था, हिच हाइकिंग, गॉट इट, दैट इज टेकिंग अ लिफ्ट। नेक्स्ट, सो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, एवरी टाइम ही वाज नॉटी, जब वो बचपन में था तो जब भी शरारत करता, देखें एवरी टाइम ही वाज नॉटी का क्या मतलब है, जब भी वो क्या करता, शरारत करता। हिज फॉस्टर मदर, तो उसकी जो रजाई माँ थी, फॉस्टर मदर, जैसे जूसलम की फॉस्टर मदर कौन थी, हलीमा सादिया, क्लियर। सो फॉस्टर मदर, उनकी रजाई माँ, यूज टू थ्रेटन टू सेंड हिम टू टिम्बकटू, उन्हें कहती थी मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। अब ये टिम्बकटू क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। सो टिम्बकटू है एन एंशंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, यानी फ्रांस के कंट्रोल में जो अफ्रीका है उसके सेंटर में, हार्ट में ये एक सिटी है, क्लियर। 3,200 किलोमीटर, 3,200 किलोमीटर का फासला तय करेगा ये टिम्बकटू जाने के लिए। अच्छा, उसकी फॉस्टर मदर उसे धमकी देती थी कि वो टिम्बकटू भेज देगी, इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, बजाय इसके कि उसे वो अलार्म करे, थ्रेटनिंग हिम, अलार्मिंग मीन्स थ्रेटनिंग, द आइडिया अराउज्ड इन हिम, इस आइडिया ने उसके अंदर अराउज्ड, यानी इंस्पायर्ड, इंस्टिगेटेड, अराउज्ड का मतलब क्या होगा, इंस्टिगेटेड इन हिम अ कीन, यानी आर्डेंट डिजायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, इस दूर दराज की जगह को देखने की उसके अंदर, बजाय इसके कि वो डरता, ख्वाहिश पैदा हो गई, सर फिरा था आपकी तरह। बट बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, तो जब वो नौजवान हुआ, when he grew up, क्लियर, ही वॉज अ यंग मैन, यानी क्या मतलब, ही grew up, he was firmly gripped, यानी ruled, तो उसके अंदर यानी कि समा गई, उसके जड़ें मजबूत हो गई, मजबूती से उसने जकड़ लिया इसको, बाय द वॉन्डर लस्ट सहरान वर्दी को, वॉन्डर लस्ट क्या होता है, डिज़ायर फॉर ट्रैवलिंग, सहरा वर्दी। सो जवान होते होते, यानी कि घूमने फिरने सहरान वर्दी की ख्वाहिश ने उसको जकड़ लिया, हिज फर्स्ट एडवेंचर, उसकी जो पहली मुहिम थी, इसका मतलब है पहले भी वो इस तरह का काम कर चुका है, वॉज टू गो अराउंड द वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ $80, सो अबाउट 28 pounds, तो तब के $80, क्लियर, कॉस्ट पे वो पूरी दुनिया घूम आया था, यानी बहुत सस्ते दामों। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिटर्मिंड, उसने इस बात का तायुन किया, दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रेवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्रॉम अल्जायर्स। तो ये कंट्री कौन सा डियर स्टूडेंट्स, अल्जायर्स, ओके। सो ऑन द नॉर्थ ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, सो अफ्रीका की नॉर्थ कोस्ट पर, टू टिम्बकटू, सो अल्जायर से बरास्ता टिम्बकटू जाना है उसने, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, और ये किस दरिया के पास है, रिवर नाइजर के पास है, क्लियर। सो जाना कहाँ है, टिम्बकटू, सफ़र शुरू कहाँ से होना है, अल्जायर से, क्लियर। सो द एक्सट्रीम साउथ ऑफ ग्रेट डेजर्ट, और ये टिम्बकटू जो है वो एक्सट्रीम साउथ ऑफ ग्रेट डेजर्ट पे है, क्लियर। सो द ट्रांस सहारा जर्नी, यानी अक्रॉस द सहारा जर्नी, बिगैन एट अ लिल टाउन, उस टाउन का नाम क्या है, ये आपने याद रखना है, बोसाडा, BUBOUSSA, SSSADA, नोन टू द नेटिव एज द पोर्ट ऑफ
एफ सहारा। तो इसे नेटिव लोग जो सहारा की पोर्ट बंदरगाह कहते हैं, यानी यहाँ सहारा शुरू होता है। फॉर इट इज़ हियर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स। सो यहाँ से, चूँकि बुसाडा से डेजर्ट शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 1।